नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम में से बहुत से लोगों की यह इच्छा होती है बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को देखने की, उन्होंने किन किन स्टॉक्स में निवेश किया है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जैसे FII, DII, HNI, जैसे राकेश झुंझुनवाला, राधा किशन दमानी, विजय केडिया, इनके पास मार्केट की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा होती है और इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी बहुत होते हैं। मार्केट जनरली उनके हिसाब से वर्क करता है। ये लोग किसी भी स्टॉक्स की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। ये सालों साल से मार्केट में लगे हुए हैं। इनका जो मार्केट का नॉलेज है वह एक अलग ही लेवल पर है। दोस्तों ये खराब आइडिया नहीं है कि ये जो बड़े लोग हैं इनका भी आइडिया को देखें, फॉलो करें, समझें और परखें। जरूरी नहीं है कि सारी आइडियाज हम खुद ही जनरेट कर पाएंगे, चाहे वह ट्रेडिंग है या इन्वेस्टिंग। कई बार दूसरे लोगों की आइडिया को सुनना भी समझदारी हो सकती है। दोस्तों सुनेंगे हम सब की पर करेंगे हम अपनी मन की। इसका मतलब हम उनके आइडिया को देखेंगे और उसके बाद उन आइडिया को हम अपनी कसौटी पर तोलेंगे और फिर उसके बाद अगर हमें समझ में आता है तो हम उस पर एक्ट करेंगे। दोस्तों अभी हमारे जैसे लोग जो अभी मार्केट से सीख रहे हैं और कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं और वहाँ से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक अच्छा स्टेप हो सकता है। दोस्तों अगर बात करें कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को कहाँ से देखें तो सबसे पहले हम गूगल में टाइप करेंगे trendline.com। यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारे सामने trendline.com का होम पेज ओपन हो गया। यहाँ आपको ऊपर बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ एक ऑप्शन है सुपरस्टार। इस सुपरस्टार वाले सेक्शन पर ही हमें क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत से इन्वेस्टर्स का नाम दिया हुआ है। यहाँ आपको सर्च सुपरस्टार में किसी भी इन्वेस्टर का नाम सर्च करेंगे तो उनका पोर्टफोलियो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज, जहाँ आपको बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर का नाम दिया हुआ है जिनकी होल्डिंग को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट नाम है राधा किशन दमानी, राकेश झुंझुनवाला, रेखा झुंझुनवाला, ज्ञानदीप क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड, मनीष पबराई, ठीक है, आशीष धवन, आकाश भानुशाली, ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को आप चेक कर सकते हैं। इसके बगल में आपको इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो को भी देखने को मिल जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के भी पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा नीचे आने पर आप देख सकते हैं यहाँ एक ऑप्शन और है FII पोर्टफोलियो। बहुत से बड़े बड़े FII के पोर्टफोलियो आपको दिख जाएंगे, जैसे यहाँ फर्स्ट है यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, इंडियन कैपिटल फंड लिमिटेड, ऐसे बड़े बड़े FII के पोर्टफोलियो को भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए तो हम किसी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। इस राकेश झुंझुनवाला के नाम पे यदि हम क्लिक करते हैं तो अभी हमारे सामने राकेश झुंझुनवाला का पोर्टफोलियो ओपन हो गया। यहाँ एक ऑप्शन है क्वार्टर एंडिंग, जहाँ आप अपने अनुसार कोई भी क्वार्टर का उनकी शेयर होल्डिंग आप देख सकते हैं। हम जून 2020 के शेयर होल्डिंग चेक करते हैं। यहाँ स्टॉक्स का नाम आप देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ परसेंटेज होल्डिंग दी हुई है इनकी, कौन से स्टॉक्स में इनकी कितनी परसेंट की होल्डिंग है। यहाँ करंट प्राइस, होल्डिंग वैल्यू कितनी है, मतलब कितने रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वह यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एपटेक लिमिटेड में इनकी होल्डिंग 24.01% है। NCC लिमिटेड में इनकी होल्डिंग 11.45% है। रैलिस इंडिया में इनकी होल्डिंग 10.31% है। और यहाँ इनके वैल्यू आप देख सकते हैं, एपटेक में इन्होंने 129 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, वहीं NCC में इन्होंने 254 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वहीं रैलिस इंडिया में 629.3 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। इस तरह और भी स्क्रॉल डाउन करने पर आपको और भी होल्डिंग उनको दिख जाएगी, जैसे VIP इंडस्ट्रीज में उन्होंने निवेश किया हुआ है, ठीक है, क्रिसिल में उन्होंने निवेश किया है, जैसे टाइटन कंपनी में उन्होंने निवेश किया है, तो उनकी होल्डिंग को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसी तरह और भी नाम है
विजय केडिया के शेयर होल्डिंग में क्लिक करेंगे तो उनके भी शेयर होल्डिंग को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसका इधर बगल में आप इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो को भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम चेक करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होल्डिंग, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारे सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होल्डिंग दिख गया है। ये भी क्वार्टर एंडिंग जून 2020 की होल्डिंग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं SBI कार्ड में इनकी होल्डिंग है 69.51%। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इनकी होल्डिंग है 55.50%। यस बैंक में इनकी होल्डिंग है 48.21%। और भी बहुत से कंपनियों के आप नाम यहां देख सकते हैं जिनकी होल्डिंग SBI ने ले रखी है। इसके नीचे आप FIIs के पोर्टफोलियो को भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम इंडियन कैपिटल फंड लिमिटेड के पोर्टफोलियो को हम चेक करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि इंडियन कैपिटल फंड लिमिटेड ने किन किन स्टॉक्स में निवेश किया है। जिम लाइब्रेटरीज में 22.03% की होल्डिंग है, ठीक है। BRL लॉजिस्टिक में 9.88% की होल्डिंग है। ऐसे और भी कंपनी की होल्डिंग आप यहां पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप यहां बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आपको वहां से स्टॉक्स आइडिया आपको मिल जाते हैं, पर उनके स्टॉक्स आइडिया से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो कभी कभी मतलब आप महीने या दो महीने में इनका पोर्टफोलियो एक बार आप चेक कर लो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको इनके स्टॉक्स में निवेश करना है या नहीं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसे ही फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।